नवीन महवा मंडी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए रोस्टर जारी किया था और मंडी में फुटकर बिक्री पर रोक लगी थी। इसके बावजूद भी नियमों को नजरअंदाज करते हुए महिवा मंडी में फुटकर सब्जी के बाजार लगाए जा रहे हैं तथा कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस दौरान बुधवार को भारी संख्या में नागरिक व दुकानदार कोविड नियमों को तोड़ते हुए सामानों की खरीदारी व बिक्री करते नजर आए। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ने महिवा मंडी में फुटकर बिक्री व अनावश्यक वाहनों को मंडी में खड़ा करने पर रोक लगाई थी, लेकिन बुधवार को इसका उल्टा असर देखने को मिला। बुधवार को भारी संख्या में अनावश्यक वाहन मंडी में खड़े नजर आए, जो कि जाम का कारण बन रहे हैं, जिससे मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तथा लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महिवा मंडी के फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने कहा, मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन महवा मंडी गोरखपुर। लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने रोस्टर जारी किया था सब्जी मंडी और फल मंडी और आलू मंडी को, लेकिन कहीं भी ऐसा देखने में क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में जो जिला प्रशासन ने खासतौर मेरे चेयरमैन साहब सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव साहब ने जो जारी किया था गाइडलाइन, फल मंडी और आलू मंडी सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलने का था मामला ना, और सब्जी मंडी है 12 बजे रात से सुबह 7 बजे तक का, 7 बजे तक का ये निर्देश जारी किया था उन्होंने, तो निर्देश जारी किया था इसी तरीके खुल रही है, पालन नहीं हो रहा। अब हम लोग तो अपनी आलू मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, 7 बजे से 1 बजे तक खुली रहती, आप देख लीजिए दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बेचा जा रहा, अगर कहीं पालन नहीं हो रहा है तो मेरे संज्ञान में तो इसी बात आया नहीं, अगर कहीं पालन नहीं हो रहा तो जिला प्रशासन से अनुरोध मैं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय साहब से ख़ास तौर से, कि इसमें वो मालिक है, चेयरमैन है, वो पलांटी लगा दे, जो चाहे तो कार्रवाई कर दे, हम इस पे हमारा एसोसिएशन या हम पदाधिकारी इसमें हम कुछ उनको सिफारिश भी नहीं करेंगे, साहब छोड़ दीजिए, क्योंकि कोविड का जो मामला चल रहा है, ये महामारी का ये बहुत ख़तरनाक मामला है, लोग कम निकले, ज़रूरत भर निकले, ना ज़रूरत तो घर में रहें, और शासन प्रशासन गाइडलाइन का पालन करें, जो पालन नहीं कर रहा उसको कार्रवाई करें। फुटकर मंडी पे रुक लगाया गया था, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी बिक्री हो रही है। इस पे हमको जिला प्रशासन को कार्रवाई करना, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय साहब कार्रवाई करना, हमारे देखने में तो फुटकर मंडी कहीं लग नहीं रही, अगर आपने देखा है तो उस पे हम लोग तो पहले से मना कर दिया कि फुटकर मंडी यहाँ ना लगे, अगर देखा आपने फुटकर मंडी चल रही तो उस पे जिला प्रशासन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय साहब से निवेदन हम करते हैं कि वो कार्रवाई करें, सचिव महोदय और मास्क कहीं भी देखने को नहीं।
सोशल डिस्टेंस मास्क देखिए, मैं जो लगाने की आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ तक का ठेले वाले से रिक्शे वाले के टेम्पू वाले के अपने पलदार लेबर हम लोग सोशल डिस्टेंस अब पालन करवा भी रहे, मास्क लगवा भी रहे, अपने पास से मास्क दे भी रहे। अब बाकी लोग अगर नहीं लगा रहे बार बार कहने पर, तो उन पर कार्रवाई करने का जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर है, वो कार्रवाई करें। और इसमें हमने जहाँ तक प्रयास किया, प्रयास कर भी रहे हैं, कह भी रहे लोगों से मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, तो हमने तो बहुत कहा और कह भी रहे पूरे लोगों से। अब इसमें लोग नहीं मान रहे, महामारी में, इस महामारी के दौर में लोग नहीं मान रहे, तो उनके लिए कार्रवाई होना सुनिश्चित, निश्चित कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट महोदय साहब करें।